नमस्कार मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक और महत्वपूर्ण वैकेंसी के लिए प्रेस नोट जारी किया है और ये वैकेंसी वैसे बहुत ही कम पदों पर है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए कितने क्या पोस्ट हैं और इसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। तो ये कल ही का नोटिफिकेशन है, 11 फरवरी 2021 का, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा नियम 1954 के अंतर्गत सहायक परीक्षण अधिकारी यानी असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के पदों तथा राजस्थान हॉर्टिकल्चर सेवा नियम 1962 के अंतर्गत अधीक्षक उद्यान यानी कि सुपरिटेंडेंट गार्डन के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है, यानी कि पदों की संख्या में आपकी कमी या वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो पोस्ट के लिए उन्होंने ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं इनमें अभी तक यही है पोस्ट। तो यहाँ पर आपको देखा जाए असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के लिए कुल चार पोस्ट हैं और ये चारों की चारों पोस्ट जनरल कैटेगरी में हैं। अलग अलग किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। जनरल कैटेगरी में होने का ये तात्पर्य नहीं है केवल जनरल वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी के नहीं कर सकते हैं, ये कतई इसका मतलब नहीं है। यानी कि इसमें सारे के सारे कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एससी एसटी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उनका उसको लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी को ही फाइट करना होगा, ठीक है। तो असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के लिए चार पोस्ट हैं और सुपरिटेंडेंट गार्डन के लिए एक पोस्ट पर ये वैकेंसी है वो आपकी निकाली गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या योग्यता है वो भी देख लेते हैं। आइए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपका, अगर आप असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर यानी कि एटीओ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप एमएससी इन जियोलॉजी या एमएससी इन केमिस्ट्री होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, टेस्टिंग ऑफ सोयल एग्रीगेट्स ईटीसी इन केस ऑफ आइदर एमएससी जियोलॉजी और एमएससी केमिस्ट्री, यानी कि आपको 2 साल का सोयल टेस्टिंग में एक्सपीरियंस साथ ही साथ जियोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में आपकी एमएससी होना जरूरी है एटीओ की भर्ती के लिए। साथ ही साथ एक जो पोस्ट है आपकी सुपरिटेंडेंट गार्डन के लिए, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में बीएससी होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें आपका जो उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर है ये आपका स्पेशल विशेष सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, और 2 साल का इसमें भी आपको ऑर्नामेंटल गार्डन्स में एक्सपीरियंस है वो जरूरी है। साथ ही साथ आपको हिंदी रिटर्न और देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थान की कल्चर के बारे में विशेष ज्ञान होना चाहिए। ये बेसिकली सभी वैकेंसी में इसी प्रकार की ये लाइन लिखी जाती है, तो ये सभी आपके पास में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 2 महत्वपूर्ण आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये होना जरूरी है। और यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो एल्फ है ये जो एटीओ के लिए और एसजी इसके लिए है आपका L12, यानी कि आपका वेतन है वो बहुत ही अच्छा है। लगभग स्टार्टिंग में आपको 50-55 हजार रुपये है वो सैलरी आपकी स्टार्टिंग से ही बन जाएगी इससे। और इसमें एज लिमिट है, आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है, जो कि आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरियों को जिस प्रकार से राजस्थान की विभिन्न वैकेंसियों में 5 साल किसी को 10 साल जो कंसेशन दिया जा रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात कि इनका पाठ्यक्रम क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे तो ये भी जान लेते हैं। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो तो आपको 17 फरवरी 2021 से 16 मार्च 2021 के मध्य है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, साथ ही साथ इसमें जो इंटरव्यू है वो भी होगा, ठीक है। तो 40 नंबरों का तो आपका ये पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, 20 नंबर का आपका जो एकेडेमिक
जो वेटेज है वो रहेगा, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस है इसके आधार पर होगा शायद, और जो 40 अंक है ये आपके इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 60 नंबर आपके इसमें होंगे, दो तीन टेस्ट है इसमें आप गुजरेंगे तभी, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो परीक्षा की डेट है वो क्या होगी, तो इन्होंने इसमें कुछ स्पष्ट अभी नहीं किया है कि बाद में हम सूचित करेंगे। और इसके लिए जो आपके पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो क्या रहेगा, तो वो भी अभी तक डाला नहीं है। जल्द ही आरपीएससी की वेबसाइट पर आपको ये चीज़ें भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आवेदन का शुल्क है वो 350, 250 और 150 रुपये है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो यही मित्रों महत्वपूर्ण अपडेट थी इस भर्ती परीक्षा के लिए। तो जो भी मित्र एलिजिबल है वो बिना लास्ट डेट का इंतजार किए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो इसमें एक्सपीरियंस है, ये जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है इसकी लास्ट डेट तक आपका एक्सपीरियंस वो पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और भी मित्रों को इस वैकेंसी के बारे में आप सूचित करें। और जैसे ही इसका पाठ्यक्रम और इसकी एग्जाम डेट आएगी तो भी हम आपको सूचित कर देंगे इसी YouTube चैनल के जरिए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको जीके से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्विजेस PDF मिलती रहेगी, और इस प्रकार की महत्वपूर्ण वैकेंसी की आपको अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।